हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। आई होप सब अच्छे होंगे घर पे। सबसे पहले सॉरी, थोड़ा लेट हो गया एक नई वीडियो अपलोड करने के लिए। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास का हमारा 10th चैप्टर है, जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार यहाँ से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं बोर्ड में कंफर्म, और यहाँ से सबसे ज्यादा प्रिपरेशन मेथड और कन्वर्जन पूछी जाती हैं। तो ओवरऑल स्टार्ट हम करते हैं चैप्टर आज, चैप्टर 10, राइट बच्चों? चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये चैप्टर है हमारा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत प्यार से समझेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें ये वर्ड्स क्लियर करते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का मतलब क्या होता है, राइट? हेलो एल्केन और एक वर्ड है हमारा हेलो एरीन्स, ये दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स का मतलब समझना है, इनका मतलब क्या है। देखो तो यहाँ पे हेलो और एल्केन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला होगा, यानी ये दो चीजों से मिलकर बने हैं, एक हेलो और एक एल्केन, राइट? तो यहां पे हम सिंपली कह सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, एल्केन हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, और उसके रेस्पेक्ट में हेलो एरीन्स क्या हो सकते हैं? हैलोजन, देखो हेलो तो यहां भी आ रहा है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, या फिर हम कह सकते हैं ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये देखो बन जाएगा बच्चों, अगर इनका वर्ड्स का मतलब समझ में आता। हेलो एल्केन मतलब हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, राइट? हेलो एरीन्स का मतलब हो जाएगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक वर्ड का मतलब होता है रिंग, यानी यहां पे इस हेलो एरीन्स के अंदर जो हेलोजन होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं रिंग से। रिंग का मतलब यहां पे हम बात करेंगे इस चैप्टर में बच्चों बेंजीन रिंग की, राइट? पूरे चैप्टर में बेंजीन रिंग की ही बात करेंगे। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक मतलब एक रिंग, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं रिंग वाले उनको एरोमेटिक बोलते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है कि हेलोजन को सीधा अटैच करना है बेंजीन रिंग के साथ, तो हमारा हेलो एरीन्स बन जाएगा। और हेलो एल्केन का मतलब होता है सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन, जैसे कार्बन कार्बन की सिंपल चेन है और यहाँ पे हमने कोई हैलोजन अटैच कर दिया तो ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन, और यहाँ पे अगर हमने कोई हैलोजन अटैच कर दिया तो ये बन जाएगा हेलो एरीन्स। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है बच्चों, कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे एक ही बात है, बस फर्क थोड़ा इतना है कि यहाँ पे हम सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन की बात करते हैं हेलो एल्केन के केस में, और हेलो एरीन्स के केस में हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे दोनों में एक चीज जो कॉमन आपको दिखाई दे रही होगी वो हेलो दिखाई दे रहा है, दे रहा होगा यहाँ पे हेलो, यहाँ भी हेलोजन है और यहाँ भी हेलोजन है। तो थोड़ा सा हेलोजन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस हेलो का मतलब क्या होता है। हेलो का मतलब होता है बच्चों हेलोजन, राइट? हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, राइट बच्चों? ग्रुप 17 के एलिमेंट, और वो कौन कौन से होते हैं? फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, ये चार एलिमेंट होते हैं जिनको हम कंबाइंड वे में हेलोजन बोलते हैं। ओके बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम कंबाइंड वे में हेलोजन बोल देते हैं, और इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक्स से होता है, एक्स, ये बात याद रखिएगा, इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक्स से कर देते हैं, राइट बच्चों? ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमें थोड़ा सा ये जानना है कि इस चैप्टर का हमारी डे टू डे लाइफ से क्या कनेक्शन है, क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो बच्चों इस चैप्टर का सबसे बड़ा जो यूज होता है वो होता है मेडिसिनली, मेडिसिन में बहुत बड़ा यूज होता है हेलो एल्केन्स का, हेलो एरीन्स का, क्योंकि ओवरऑल 90% जो मेडिसिन होती हैं वो हेलो एल्केन पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिसिन को आप देखिए, उसमें क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरह से उनके नाम के आगे मेंशन होता है, बीच में, पीछे, आगे, कहीं ना कहीं मेंशन होगा। तो ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो इसी फैमिली से बिलोंग कर रही है कहीं ना कहीं से। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिन होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरम, क्लोरम फेनिकॉल, ये बोलते हैं क्लोरम फेनिकॉल। अब ये जो होती है ये मेडिसिन का नाम है, अब देखो उसमें क्लोरो आ गया, तो मतलब ये जो मेडिसिन है एक्चुअली टाइफाइड फीवर के लिए दी जाती है क्लोरम फेनिकॉल।
तो अब ये मेडिसिन भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगी, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगी, ठीक है बच्चों। तो इसका ना मेडिसिनली बहुत यूज है। जैसे एक डिसीज होती है गोइटर, गोइटर समझते हैं आप, जैसे गले में स्वेल हो जाता है, गला किसी का स्वेलिंग आ जाती है, तो वो किसकी कमी से होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। अगर किसी आदमी को बॉडी में आयोडीन की कमी है तो उसको गोइटर नाम की डिसीज हो जाती है। अब वो डिसीज हमें खत्म करनी है तो हम क्या करेंगे, उसको एक ऐसी मेडिसिन देंगे, क्योंकि वो गोइटर जो डिसीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो एक्चुअल में आयोडीन की वजह से हो रही है, आयोडीन की कमी की वजह से हो रही है, क्योंकि उसकी बॉडी में आयोडीन की कमी है इसलिए उसको गोइटर डिसीज हो रही है। तो अब हमें उसको एक ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट हो, क्योंकि डिसीज हो किसकी वजह से रही है, आयोडीन की कमी की वजह से। अगर आयोडीन की क्वांटिटी उसकी बॉडी में पूरी हो जाएगी तो डिसीज खत्म हो जाएगी। तो हम उसको एक ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिसमें आयोडीन प्रेजेंट हो, और आयोडीन अगर प्रेजेंट होगा और वो मेडिसिन जो बनेगी तो वो डेफिनेटली कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगी, हेलो एल्केन, हेलो एरिन से बिलोंग करेगी, ठीक है बच्चों। तो ये इसका ओवरऑल मतलब यूजेज है, ओवरऑल मेडिसिनली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी यूजेस, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हेलो ये जो हेलो एरिन होते हैं इनको हम बोलते हैं एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, और हेलो एल्यूमिनियम को बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। ये बातें याद रखिएगा बच्चों, एलिफैटिक कंपाउंड। हेलो एल्केन का ही दूसरा नाम होता है एलिफैटिक कंपाउंड, और हेलो एरिन का दूसरा नाम होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों। अब बात आती है पहचान की, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बुक के अंदर तो आप पहचान कर लोगे, अगर कार्बन की रिंग बनी है तो वो एलिफैटिक होंगे या हेलो एल्केन होंगे, और रिंग अगर बनी है तो वो हेलो एरिन होंगे या फिर एरोमेटिक होंगे। लेकिन अगर आप लैब में खड़े हो और वहां पे दो कंपाउंड्स रखे हैं जिस पर कोई भी कुछ नहीं लिखा, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच वन इज हेलो एल्केन एंड विच वन इज हेलो एरिन्स। तो वहां पे एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा स्मेल करते हैं, ध्यान रखना बच्चे बात, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बात है। एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा स्मेल करते हैं, ओके। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये फ्रेगनेंस करते हैं, फ्रेगनेंस, इनमें फ्रेगनेंस होती है, तो बहुत आसान आइडेंटिफाई करना। अब कंपाउंड को देख लीजिए, अगर वो स्मेल कर रहा है दैट मीन वो एलिफेटिक होगा या फिर हेलो एल्केन होगा। अगर वो कंपाउंड फ्रेग्रेंस कर रहा है यानी खुशबू आ रही है उसमें, तो वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा या फिर हेलो एरिन्स होगा, ओके बच्चों। वैसे भी आपने देखा ना कि जो दवाई होती है बहुत सी दवाई स्मेल करती है, बहुत सी दवाइयों में खुशबू आती है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, अगर कोई मेडिसिन स्मेल कर रही है इसका मतलब वो हेलो एल्केन से बनी हुई है, और अगर कोई मेडिसिन खुशबू फ्रेग्रेंस रिलीज कर रही है इसका मतलब वो हेलो एरिन्स से बनी हुई है। क्लियर, ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, वेरी गुड। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा हल्का सा चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, और आपने पता है कि जो हेलो एल्केन है और हेलो एरिन है वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें रिकॉल करता हूं मैं, वैसे तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन पूरा एक चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत बड़े लेवल पे यूज कर रहा है हाइड्रोकार्बन का इस चैप्टर के अंदर, तो थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन इनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। पहला होता है आपका सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड, राइट, अनसैचुरेटेड। फिर अनसैचुरेटेड को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरी में, एक आपका होता है एल्कीन और एक होता है आपका एल्काइन, राइट। जनरल रिकॉल करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, और सैचुरेटेड जो होते हैं वो होते हैं एल्कीन, ठीक। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ये होते हैं, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है बच्चों हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि हमें हाइड्रोकार्बन को साथ लेके चलना है इस चैप्टर के अंदर, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉल करा दिया आपको हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन, देन एल्काइन, ये इनके फॉर्मूलेज होते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर है, ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मेन चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। चलो एक छोटा सा टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, उसके बाद आगे करते हैं। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एल्काइल हैलाइड, एक्चुअल में एल्काइल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से, आर एक्स, एल्काइल हैलाइड को आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं।
एल्केन हैलाइड होते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द मोनो हैलोजन, द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ऑफ एल्केन, ये वाला द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड, आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। क्लियर बच्चों, द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइल आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब ये बनते कैसे समझो, जैसे हमने सिंपल एल्केन लिया है, हमने CH4, अब ये क्या है, सिंपल एल्केन है, अब हमें क्या करना है कि इस कंपाउंड को हमें हेलो एल्केन कंपाउंड बनाना है, राइट। तो हेलो एल्केन कंपाउंड कैसे बनेगा, एल्केन में अगर हम हेलोजन को ऐड करते हैं तो वहां पे हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब हेलोजन हमें ऐड कैसे करनी है, समझो यहाँ पे अगर हमें एक हेलोजन मतलब एक्स, हेलोजन को अभी मैंने बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। अब एक्स की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रक्चराइज फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉन्ड बन रहा होगा, इस तरह से बॉन्ड बन रहे होंगे। और कोई भी चीज जब फॉर्मेशन होती है तो पहले बॉन्ड टूटते हैं, उसके बाद बॉन्ड जनरेट होते हैं, बॉन्ड बनते हैं। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे किसी ना किसी एक एच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और उसके बाद हेलोजन वहां पे अटैच होगा। तो देखो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बनेगी, CH3 बनेगी। अब CH4 से किसमें चला गया, CH4 से, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गई। तो अब ये जो रिमेनिंग चीज बची, एक हाइड्रोजन हटने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा, इसको तो हम बोलते हैं बच्चों एल्काइल, एल्काइल। ठीक है, और अब हमने एक हाइड्रोजन हट गई तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, ये हमने ऐड कर दिया। और इसको अब कोई भी हैलोजन जब एल्काइल के साथ जुड़ता है तो वो हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, बात ध्यान रखिएगा, कोई भी हैलोजन जब एल्केन के साथ जुड़ता है तो वो हैलाइड बन जाता है। अब देखो CH3 वाला पार्ट क्या कहलाता है, एल्काइल कहलाता है, और एक्स वाला पार्ट क्या कहलाता है, हैलाइड। तो ओवरऑल ये कंपाउंड क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और हैलाइड को एक्स से। तो क्या बन गया बच्चों, ये आर एक्स, क्लियर, तो RX। तो ओवरऑल जो एल्काइल हैलाइड होता है उसको रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, RX से। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप और X का मतलब होता है हैलोजन जो कि हैलाइड के फॉर्म में होता है। क्लियर बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, अब इसको रफ करते हैं। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि हम हेलो एल्केन को या हेलो एरीन्स को किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। अब इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो इनका क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, ठीक है, पहली ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच्ड, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच्ड, और एक होता है हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे। दो तरह से होता है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच्ड, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दोनों को हमें करना है, तो पहले हम करते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच्ड, कि अगर कितने नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड हैं उसके हिसाब से वो कौन सा हेलो एल्केन होगा, कौन सा हेलो एरीन्स होगा उसके बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को हमने दो तरह से क्लासिफाइड किया, द वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच्ड एंड सेकंड, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये ठीक है, दोनों तरह से हमें क्लियर करना है। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पे इसके बेसिस पे कि इसके बेसिस पे क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, हेलो एल्केन को भी और हेलो एरीन्स को भी, दोनों का मतलब सेम ही होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता इसमें, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, हेलो एल्केन को भी और हेलो एरीन्स को भी। ओके बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं मोनो हेलो एल्केन। देखो मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मतलब यहां पे एक हेलोजन अटैच होगा, केवल एक हेलोजन एल्केन के साथ अटैच होगा, उसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन कंपाउंड। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी हमने लिया है RX,
जिसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। क्लियर बच्चों, एल्काइल हैलाइड मोनो हैलोजन हेलो एल्किल कंपाउंड है, एल्काइल हैलाइड। लुक फॉर एग्जांपल जैसे CH3X, ठीक है। अब ये क्या हो गया, CH3 CH2 Cl, अब ये क्या बन गया आपका, ये एक कार्बन की रिंग है, दो कार्बन की रिंग है, इसको आप कितनी भी बड़ी कर लो, हमें रिंग से कोई मतलब नहीं है हाइड्रोकार्बन की, हमें मतलब है यहाँ पे सिर्फ इससे, अपने हैलोजन से मतलब है। जैसे यहाँ पे Cl लगा सकते हो, Br लगा सकते हो, I लगा सकते हो, कुछ भी लगा दीजिए यहाँ पे। हमें यहाँ पे जो हमें क्लासिफिकेशन करना है वो नंबर ऑफ हैलोजन अटैच के बेसिस पर करना है, राइट ना, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच। हमें कार्बन रिंग से मतलब नहीं है, ये कार्बन की रिंग आप कितनी भी लंबी कर लो, आप कितनी लंबी करते चले जाओ कोई फर्क नहीं, उसके बाद यहाँ पे एक्स लगा दो तब भी ये मोनो हैलोजन ही कहलाएगा। कार्बन रिंग से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है सिर्फ नंबर ऑफ हैलोजन कितने अटैच्ड है। तो एक अगर हैलोजन अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे मोनो हैलो एल्किल। अब सेम चीज देखो, यहां देखो सेम चीज, अगर मान लो हैलो एरिंग्स में क्या है कि ये रिंग है, क्योंकि हैलो एरिंग्स, एरिंग्स का मतलब क्या होता है, एरिंग्स का मतलब रिंग होता है बस। तो यहां पे अगर रिंग में एक हैलोजन अटैच है, देखो रिंग है, रिंग के साथ एक हैलोजन अटैच है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, मोनो हैलो एरिंग्स कहलाएगा, मोनो हैलो एरिंग्स कहलाएगा। ये समझ में आ गया बच्चों, अब बार बार इसको साथ लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ हैलो एल्किल को पढ़ेंगे, हैलो एरिंग्स के रेस्पेक्ट में सीधी सी वही बस। यहाँ पे अगर हमने एक हैलोजन लगाया है तो रिंग में भी एक हैलोजन लगेगा, अगर यहाँ पे हमने दो हैलोजन लगाए हैं तो रिंग में दो हैलोजन लग जाएंगे, अगर यहाँ पे तीन हैलोजन लगाए हैं तो रिंग में तीन हैलोजन लग जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर बच्चों, तो अब देखो दूसरा, दूसरा यहाँ पे क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका डाई। देखो कितने टाइप्स होते हैं, पहला तो आपका ये हो गया मोनो हैलो एल्किल जो कि RX होता है, जिसको सिंपली एल्काइल हैलाइड कहते हैं, ये इनके एग्जांपल हो गए, राइट। दूसरा होता है आपका डाई हैलो, डाई हैलो एल्किल। अब डाई हैलो एल्किल का मतलब क्या समझो, डाई का मतलब क्या होता है, दो। इसका मतलब यहाँ पे कितने हैलोजन अटैच होने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे दो हैलोजन अटैच होने वाले हैं, क्लियर। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे एक कंपाउंड ये है, दो कार्बन की रिंग है, छह नहीं, तो दो हैलोजन का मतलब है एक सिचुएशन यहाँ बन सकती है कि एक हैलोजन यहाँ अटैच हो जाए और एक हैलोजन यहाँ अटैच हो जाए, इधर आप एच लगा दो। अब देखो ये बन गया, अब ओवरऑल कंपाउंड क्या बन गया, C2H कितने, एक दो तीन चार, C2H4X2, ये बन गया ना C2H4X2, ठीक है, यानी दो हैलोजन लग गए तो डाई हैलो कंपाउंड हो गया। इसके रेस्पेक्ट में एक तो कंडीशन ये हो सकती है, एक और कंडीशन हो सकती है बच्चों, कंडीशन कंपाउंड तो ये रहेगा, कंडीशन यहाँ क्या बन सकती है समझो, कि ये हमने बनाया, अब यहाँ भी हैलोजन अटैच हो जाए और यहाँ भी हैलोजन अटैच हो जाए, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए आप, ठीक है। अब देखो गौर से देखो, क्या इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं चार, तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं दो, तो C2H4X2। अब देखो दोनों कंपाउंड सेम है, यहाँ भी C2H4X2 है, यहाँ भी C2H4X2 है दोनों का, लेकिन फर्क देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हैलोजन है वो एडजेसेंट कार्बन से अटैच है और यहाँ पे जो दो हैलोजन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। तो अब देखो जहां पे एक ही कार्बन पे दो हैलोजन अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं जेमिनल, ये बात याद रखना, उसको हम बोलते हैं जेमिनल, और जहां पे एक दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन से अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं वैसिनल, वैसिनल यानी शॉर्ट में हम इसको विस कह देते हैं और इसको जेम कह देते हैं, ये समझो। मतलब डाई हेलो में ये कंडीशन होती है कि अगर एडजेसेंट कार्बन से हेलोजन अटैच है तो वो कहलाएगा वैसिनल, और अगर एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन अटैच हैं तो वो कंपाउंड कहलाएगा जेमिनल, जिसको जेम बोल देते हैं उसको बैस बोलते हैं, जब इनके नॉमेनक्लेचर हम करेंगे तो बैस और जेम का यूज करते हैं वहां पे बच्चों, समझिएगा इसको, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि कंपाउंड सेम होते हैं लेकिन अगर आपने विस नहीं लगाया आगे या जेम नहीं लगाया तो वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज समझ दिमाग में एक बार बैठा के रखनी है कि एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगे हैं दैट मींस वो जेमिनल होगा, और दो हैलोजन अगर एडजेसेंट कार्बन पर लगे हैं तो वो कहलाएगा वैसिनल, क्लियर बच्चों। तो अगर इस कंपाउंड को हमें नाम देना तो क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। देखो डाई हैलाइड तो दोनों ही है, ये भी कंपाउंड क्या डाई हैलाइड है, राइट, ये भी डाई हैलाइड है और ये भी डाई हैलाइड है, दोनों डाई हैलाइड कंपाउंड है, लेकिन ये कौन सा डाई हैलाइड, जेम, और ये कौन सा डाई हैलाइड होगा फिर विस,
विस डाइहैलाइड, और ये कौन सा हो जाएगा जेड डाइहैलाइड है, तो दोनों ही डाइहैलाइड क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ हैलोजन कितने अटैच है बच्चों, दोनों में नंबर ऑफ हैलोजन दो अटैच है, तो ये भी डाइहैलाइड होगा मतलब जेड हैलाइड, लेकिन एक ही कार्बन पे है तो जेड हैलाइड और दो एडजेसेंट कार्बन पे है तो वैस डाइहैलाइड। क्लियर। अब इसके बाद देखो यहां पर मैं इधर लिख दूंगा, अब इसी तरह यहां पर होता है पॉली पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, पॉली हेलो एल्केन का मतलब होता है मोर देन टू, दो से ज्यादा अगर हेलोजन अटैच हो जाए तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, पॉली हेलो एल्केन कहलाएगा। जैसे यहां पे सी एच और एक्स थ्री, यानी तीन, अब देखो तीन हेलोजन लग गए तो ये पॉली हेलो एल्केन हो गया, पॉली के अंदर भी कौन सा हो गया ये ट्राई, अगर यहां पर चारों लग जाए जैसे सी एक्स फोर तो ये क्या हो गया टेट्रा, लेकिन है तो पॉली के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक क्लोरोफॉर्म होता है CH3, देखो टोटल हैलोजन कितने लगे हैं तीन, तो एक क्लोरोफॉर्म क्या है पॉली हेलो एल्केन है जिसमें से ट्राई हैलोजन लगे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है Cl4, ये कंपाउंड होता है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो देखो ये भी जो CCl4 होगा ये भी क्या होगा पॉली हेलो एल्केन होगा, उसके अंदर कौन सा होगा टेट्रा, क्योंकि यहाँ पे कितने हैलोजन लगे हैं चार हैलोजन लगे हैं। अब मेरा एक बात मुझे बताइए बच्चों, क्या हम चार से ज्यादा हेलोजन अटैच कर सकते हैं किसी कार्बन के साथ, चार से ज्यादा हेलोजन अटैच कर सकते हैं किसी कार्बन के साथ, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिंपल एल्केन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं चार। तो देखो आपने एक हाइड्रोजन लगाया तो एक हेलोजन अटैच कर दिया, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन हटाया दूसरा हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तीसरा हाइड्रोजन हटाया एक और हेलोजन अटैच कर दिया, जब आपने फोर्थ हाइड्रोजन को भी हटा दिया तो आपने फोर्थ हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अब आपके बाद क्या है, अगर आपको फिफ्थ हाइड्रोजन अटैच करना है यानी पांचवा हाइड्रोजन अटैच करना है तो उसके लिए आपके पास हाइड्रोजन तो बची नहीं रिमूव करने के लिए, तो फिर वहां पे पॉसिबल नहीं है केवल चार, क्योंकि कार्बन के पास बॉन्ड कितने होते हैं चार बॉन्ड होते हैं, और चारों बॉन्ड कार्बन बना चुका है स्टेबल कंपाउंड है, तो उसके बाद पांचवा हाइड्रोजन आप अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन अटैच, यानी अगर हैलोजन अटैच्ड हैं तो उसको हम कितने तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, पहला मोनो हेलो एल्केन यानी जिसमें एक हैलोजन अटैच होता है, दूसरा डाई हेलो एल्केन जिसमें दो हैलोजन अटैच होते हैं, और डाई हेलो में भी दो चीजें होती हैं, अगर एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन लगे हैं तो उसको जेमिनल कहते हैं, और अगर एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन लगे हैं तो हम उसको वैसिनल कहते हैं। तीसरा होता है पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन का मतलब होता है बच्चों मोर देन टू हैलोजन अटैच्ड, उसके अंदर भी अगर तीन हैलोजन अटैच्ड हैं तो हम ट्राई बोल देंगे, चार हैलोजन अटैच्ड हैं तो उसको टेट्रा बोल देंगे। क्लियर, और यही सेम चीजें अप्लाई किसमें हो जाती है बच्चों हेलो अरेंज में, सेम चीजें हेलो अरेंज में लगेगी, एक कार्बन है तो मोनो हेलो अरेंज, एक हैलोजन है तो मोनो हेलो अरेंज, दो हैलोजन है तो डाई हेलो अरेंज, और तीन हैलोजन है या चार हैलोजन है तो पॉली हेलो अरेंज। क्लियर बच्चों, तो एक क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब मूव ऑन करते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद सेकंड वाले पे चलते हैं बच्चों। ओके ले लिया, वेरी गुड। अब यहां पर हम देखते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको भी फर्दर हमने डिवाइड किया टू कैटेगरीज में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, द वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन अटैच एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, द वन इज sp3 एंड सेकंड वन इज sp2। ओके, तो देखो sp3 को और sp3 को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरी में। पहला होता है आपका बच्चों एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जिसको सिंपली RX बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका यहां पे हो जाता है अलाइलिक, राइट बच्चों
एलाइलिक हैलाइड, ठीक। और तीसरा आपका हो जाता है यहां पे बच्चों बेंजैलिक हैलाइड, बेंजैलिक हैलाइड, ठीक। पहले इनको क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर SP2 समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं एल्काइल हैलाइड क्या क्या मतलब होता है। एल्काइल हैलाइड का मतलब RX में भी बता चुका हूं, बार बार शुरू से बता रहा हूं एल्काइल हैलाइड क्या होता है। RX मतलब सिंपल मोनो हैलोजन होते हैं, सिंपल मोनो। जैसे मान लो इसके एग्जांपल हो गए CH3Cl, CH3Br, या फिर CH3CH2Cl। RX का मतलब, अब ये पूरा ग्रुप क्या है R, और ये क्या है हैलोजन X, RX बन गया, ठीक है, सिंपल मोनो एल्काइल। अगर हमने देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे ये है CH3, तो यहाँ पे Cl कनेक्ट होगा, यहाँ H और यहाँ H। हाइब्रिडाइजेशन पता करने का मैं सबसे आसान तरीका आपको बता दूं कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सा sp3 है, कौन सा sp2 है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं बच्चों, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच होता है, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच होता है, उस कार्बन के बॉन्ड्स पता करना है, कर लो कितने बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है, और ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, चार बॉन्ड बना रहा है। तो चार बॉन्ड मतलब S का कितना बॉन्ड हुआ, एक, और P के कितने बॉन्ड है, तीन। तो क्या बन गया यहाँ पे sp3 बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पे S का हो गया, तीन बॉन्ड यहाँ पे P के हो गए। तो ओवरऑल कितना बना, ये sp3 बना, sp3 बना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कौन सा चला गया, हो गया ना आपका sp3, यानी एल्काइल हैलाइड। तो हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है बच्चों, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे टोटल जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। ओके, अब दूसरी तरफ चलते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड का क्या मतलब होता है बच्चों, एलाइलिक हैलाइड का मतलब है कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच होता है, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच होता है, वो कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच होता है, वो कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है, ठीक है, समझो। जैसे ये कार्बन है और इस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है, ठीक है। अब ये कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, ठीक है, किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, समझो यहां पे। अब इस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है और ये कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। अब हाइब्रिडाइजेशन पता करना, देखो बाकी इनकी बैलेंस एस्टर पूरी कर लो, यहाँ पे 2H होगी और यहाँ पे 1H होगी और यहाँ पे 2H लगी होगी, ठीक है। अब देखो ये कार्बन से हमारा, इस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है और ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, चार, चार बॉन्ड, मतलब ये किस में चला गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, बेंजैलिक हैलाइड। बेंजैलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, देखो बेंजाइल आ गया, मतलब यहां पे बेंजीन रिंग की बात आ गई। अब देखो ये बेंजैलिक हैलाइड है, तो इसका मतलब होता है कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है, वो कार्बन किसी बेंजीन रिंग से अटैच हो। जैसे इस कार्बन, मान लो ये कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है और ये कार्बन इस बेंजीन रिंग से अटैच होता है, बाकी इसकी वैलेंस हाइड्रोजन से पूरी कर दो, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, बेंजैलिक हैलाइड कहलाएगा। यानी जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है, वो कार्बन किसी बेंजीन रिंग से अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं बेंजैलिक हैलाइड। अब देखो इस कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन पता करें, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए, कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच होता है, वो कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है। अब या फिर बेंजैलिक हैलाइड में क्या होता है, वो किसी बेंजीन रिंग से अटैच होता है, ठीक है। अब 1 2 3 4 चार बॉन्ड है इसके, तो टोटल कितना हो गया इसका, sp3 हो गया, ठीक है। और चार बॉन्ड में भी बच्चों हमें केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं, पाई बॉन्ड से मतलब नहीं होता हमें, केवल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो ये चारों सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब उसके बाद sp2 की बात करें, तो sp2 दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके विनाइलिक हैलाइड, ठीक है बच्चों, और दूसरे होते हैं आपके एराइलिक हैलाइड। एक विनाइलिक हैलाइड और एक होते हैं आपके एराइलिक हैलाइड। अब इनका मतलब समझो, ये दो तरह से हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इसको। अब देखो sp3 कितना था, तीन तरह से, और sp2 कितना हो गया, दो तरह से। अब देखो एलाइलिक में और विनाइलिक में ना डिफरेंस समझो। विनाइलिक का एलाइलिक क्या कह रहा है, एलाइलिक का मतलब है कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है, वो कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है।
जबकि विनाइलिक में क्या होता है कि हमारा हैलोजन खुद डबल बॉन्ड कार्बन से सीधा अटैच होता है। डिफरेंस समझिएगा। अब देखो यहां पे हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। अब यहां पे क्या है कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है वो कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, जबकि विनाइलिक में क्या है कि हमारा हैलोजन सीधा डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। क्लियर। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में बोल रहा हूं कि आपको केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं। तो इस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है। अब इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? देखो यहां भी यहां एक क्या होगा इसका हाइड्रोजन एक होगा। देखो चार बॉन्ड हो गए इसके। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है। तो देखो यहां डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा तो यहां हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहां पे? तीन। तीन का मतलब एस का एक बॉन्ड और पी के कितने हैं? दो। ओवरऑल कितना बन गया? sp2 बन गया ना। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका और ये क्या हुआ? विनाइलिक। अगला है आपका एराइलिक। अब देखो एराइलिक को बेंजाइलिक से रिलेट करो। बेंजाइलिक में क्या हो रहा है कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है वो कार्बन किसी बेंजीन रिंग से अटैच है, लेकिन एराइलिक में क्या हो जाता है कि हमारा जो हैलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है। ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है। अब देखो इसके अगर हमें बॉन्ड पता करने हैं तो जरा सोच के देखो इसके बॉन्ड कितने बन रहे होंगे यहां पे। ये कार्बन है हमारा, अब ये देखो कितने बॉन्ड बना रहा है यहां पे। यहां पे इसके कितने बॉन्ड बन रहे होंगे? एक दो तीन। तो देखो एक डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब एक सिग्मा यहां रहेगा, एक सिग्मा यहां रहेगा और एक सिग्मा यहां रहेगा। तीन सिग्मा है तो तीन सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो देखो एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है RX, यानी सिंपल RX। एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है वो कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब होता है जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच है वो किसी बेंजीन रिंग से अटैच हो। विनाइलिक हैलाइड का मतलब होता है कि हमारा हैलोजन सीधा डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है। और एराइलिक हैलाइड का मतलब होता है कि हमारा जो हैलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है। क्लियर बच्चों? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। बुरी तरह मारूंगा, गिरा के रखूंगा, आवाज आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? ठीक है। अब देखो इसका जो क्लासिफिकेशन है, अब एक और मजेदार बात मैं आपको बताऊं। इतना सारा करने के बाद हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है वो सिर्फ ये चीज पढ़नी है, एक तो एल्काइल हैलाइड पढ़ना है और एराइलिक हैलाइड पढ़ना है, बाकी इससे हमें किसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों? सिर्फ दो चीजों से हमें मतलब है यहाँ पे, एक तो एल्काइल हैलाइड से मतलब है और एक एराइलिक हैलाइड से मतलब है। केवल दो चीजें हमें पढ़नी है। एराइलिक हैलाइड जो होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा कंप्लीट हैलो एरिन के लिए, और जो आपका एराइलिक हैलाइड होगा वो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल होगा आपका हैलो एल्केन के लिए। ठीक। और हमारा चैप्टर भी वही है, हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्किन डिपेंडेंट ऑन एल्काइल हैलाइड एंड हेलो एरिन्स डिपेंडेंट ऑन हेलो एरिन्स। क्लियर बच्चों?